सीय बिहान चली रघुराई मिथिला पति महानिधि पाई। यह नजारा था ताज नगरी आगरा में सज रही उत्तर भारत की ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव का, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ जब नगर भ्रमण को निकले तो श्रद्धालु पलक बिछाए हुए भगवान श्री राम की अगुवाई करते हुए नजर आए। भगवान श्री राम जैसे ही जनक महल की ओर संजय प्लेस की सड़कों पर घोड़े पर विराजमान होकर चले तो बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ पूरा वातावरण राममय हो गया। भगवान श्री राम जब जनक महल पर पहुंचे तो राजा जनक का अभिनय कर रहे पीएल शर्मा ने भगवान की आरती उतारी। उसके बाद भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों और माता जानकी के साथ जनक महल पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। जनकपुरी में दूल्हा बने भगवान श्री राम और दुल्हन के स्वरूप में माता जानकी के दर्शन पाने को भक्त ललायत हो उठे। साथ ही कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल मंच पर मौजूद रहे। राम मंदिर का जो मॉडल लिया है उससे पूरा बल्लेश्वरी नगर पूरे आनंदमय सिया राम की कृपा से पूरा आनंद उठा रहा है और पूरे जनकपुरी में बहुत ही अत्यंत उल्लास का विषय है। उल्लास के साथ सब आनंद ले रहे हैं। और माता मित्रा नगरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भक्ति करें इस बार जो राय जनक बने उन्होंने वाकई में अपना वादा पूरा करके दिखा दिया, ऐतिहासिक जनकपुरी इन्होंने दे दिया है। ऐसा है यहाँ संजय प्लेस जो व्यवसाय के क्षेत्र है, लोगों को अपेक्षाएं ज्यादा थी, इसलिए हमारे द्वारा ज्यादा से ज्यादा तैयारियां की गई थी कि हम लोग जो लोगों की अपेक्षाएं उनके अनुरूप कार्य कर सके, इसलिए इतना कार्य किया गया। वहीं रामलीला कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी भगवान श्री राम की आरती उतार कर अपने आप को कृतार्थ समझने लगे। राजा जनक बने पीएल शर्मा ने बताया कि यह बहुत ही सौभाग्य की बात है जो उन्हें जनक नंदिनी माता जानकी के पिता का अभिनय करने का मौका मिला है। यदि भगवान ने उन्हें मौका दिया है तो इस मौके को वह खाली नहीं जाने देंगे और भगवान की सेवा पूरे तन मन और धन के साथ करेंगे। उसके बाद भगवान श्री राम माता जानकी को लेकर अपने अनुजों के साथ जनक महल से विदा हुए। इस दौरान संजय प्लेस अयोध्या के रूप में परिवर्तित होता हुआ नजर आया। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।